तो बस बहुत ज्यादा नहीं सोचा मैंने और ये वीडियो बना डाली। अगर अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि ऐसे ही मैं कुछ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली अपकमिंग। हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ब्रा और पेंटिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स हैं मेरे पास जो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। एक्चुअली मोस्टली ना हम लोग इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते हैं, थोड़ा शर्माते हैं, थोड़ा शाई फील करते हैं, इसलिए डिस्कस ही नहीं करते हैं। मैं भी इस वीडियो को बनाने से पहले ये सोच रही थी कि बनाऊं या रहने दूं, ड्रॉप कर दूं ये आइडिया, फिर लगा कि अगर बात ही नहीं करेंगे तो फिर अवेयर कैसे होंगे, तो इसलिए सोचा कि ठीक है बनाते हैं वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए, मेरे पास कुछ 4-5 स्टेप्स हैं वो जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बताती हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करती आप लोगों का। तो चलिए क्विकली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं परचेजिंग से। जब भी आप ब्रा खरीदने जाते हैं तो पैडेड ब्रा और अंडरवायर जो ब्रा होती है इसको अवॉइड करें खरीदना। रीज़न बिकॉज कि जो पैडेड ब्रा होती है ना उसमें एयर पास नहीं होती, एयर पास ना होने की वजह से आपको स्वेटिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा इचिंग होती है, रैशेज पड़ जाते हैं। तो अननेसेसरी आप इसको रेगुलर पहनोगे ना तो ये कहीं ना कहीं आपको मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होगी, आपको रेडनेस फील होने लग जाएगी इस आपके ब्रेस्ट के नीचे, तो प्लीज अवॉइड पैडेड ब्रा। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आप अंडरवायर ब्रा पहनते हो तो उसको पहनने से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन ना या तो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, और अगर आपने बहुत ही ज्यादा फिटेड पहन ली तो फिर तो वो मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ब्लड सर्कुलेशन ही रुक जाता है। तो ये डेली इस तरीके से अगर आप पहन के रखोगे 8 से 10 घंटे, 12-14 घंटे, तो ये भी इम्पैक्ट डालता है आपके मतलब जो आपकी हेल्थ है। कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे करते करते किसी ऐसा ना हो कि कहीं ये बीमारी का रूप ले ले, तो ये चीज ना खरीदें, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी आपके ऊपर है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। अब दूसरी बात करते हैं कि जब आप सोते हो तो सोते टाइम ब्रा को रिमूव करके सोया करिए, बिकॉज यही आई थिंक यही एक ऐसा कपड़ा है जो कि हम बहुत ही ज्यादा फिटिंग वाला पहनते हैं। इवन पैंटी भी इतनी ज्यादा फिटेड नहीं पहनते हैं जितनी की ब्रा फिटिंग की होती है, बिकॉज ब्रा तो लूज पहन ही नहीं सकते, अदरवाइज उसके पहनने का पर्पज ही खत्म हो जाएगा। तो हम 12 से 14 घंटे हम ब्रा को पहन के रखते हैं, तो बॉडी को भी थोड़ा रिलीफ चाहिए। तो जब भी आप रात के सो, इवन विंटर्स में भी आप रात में सोते हो तो आप ब्रा को रिमूव करके सो। और बात करें अगर मैं पेंटी की, अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से आप ऑफिस से आने के बाद अपने ऑफिस के कपड़े चेंज करते हो, तो उसी तरीके से आप जब आप ऑफिस आने के बाद कपड़े चेंज करते हैं या फिर अगर आपको सोने से पहले अगर आप अपना नाइट सूट पहनते हैं तो उसी टाइम सेम टाइम आप अपनी पैंटी को भी रिमूव कर दो, दूसरी पैंटी पहन लो, क्योंकि ये एक हाइजीनिक पर्पज के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये हाइजीन मेंटेन रहेगी और आगे जाके कोई बीमारी नहीं होगी। तो ये भी मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि ब्रा और पैंटी को या तो हैंड वॉश करिए और नहीं तो लॉन्ड्री बैग में डाल के तब आप वॉशिंग मशीन में डालिए। इसके पीछे रीजन ये है कि मैं पहले बात करती हूँ पैंटी की। आप खुद से जरा सोच के देखिए कि आपने जब कपड़े धोने के लिए डाले तो आपकी पैंटी भी है उसमें और साथ ही साथ आपने उसके अंदर अपने सॉक्स भी डाल दिए। अब आप ये देखिए सॉक्स आप अपने पैरों में पहनते हैं, शूज के अंदर जितने भी उसमें जर्म्स होते हैं पूरे दिन आपकी स्वेटिंग होती है आपके पैरों में, तो वो एक सॉक्स के अंदर के जो जर्म्स हैं और वो जो गंदगी है वो, और जो आपकी पैंटी के अंदर वो जो आपका डिस्चार्ज होता रहता है पूरे दिन, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये मिक्स हो जाएंगी। तो मतलब जब आप नेक्स्ट टाइम जो अपनी पैंटी को पहनोगे ना तो वो फ्रेश नहीं रहेगी, तो इसलिए जब आप हैंड वॉश करोगे तो वो किसी के साथ मिक्स नहीं होगी और आपकी हाइजीन बिल्कुल मेंटेन रहेगी। और अगर मैं ब्रा की बात करूँ तो लेट सपोज आपने वॉशिंग मशीन को आपने 30 मिनट के लिए सेट किया, अब आप खुद से सोचिए ना 30 मिनट तक कंटिन्यूसली आपकी जो ब्रा है ना वो ऐसे 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 करके घूम रही है। तो ब्रा कोई नॉर्मल कपड़ा तो है नहीं कि मतलब आप देखते होगे कि उसमें हुक्स भी होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपका वो स्ट्रेचेबल भी होती है यहाँ से आपको, तो ये इस तरह यहाँ पे एक बेल्ट भी लगी होती है, तो वो चीज़ ना मतलब जल्दी से खराब हो जाती है ब्रा। तो इसीलिए कितना टाइम लगता है यार, 2 मिनट लगते हैं बस। तो अगर आप हैंड वॉश करना चाहो तो हैंड वॉश, अदरवाइज अगर आपको हैंड वॉश नहीं पसंद तो आप लॉन्ड्री में डाल के तब आप वॉशिंग मशीन में डालिए, लॉन्ड्री बैग में सॉरी। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं ये कहूँगी आपसे कि जो आप अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हो ना ब्रा और पैंटीज में, वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की ब्रा और पैंटी खरीदिए। और मैं यहाँ पे किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करूँगी बिल्कुल भी, जो ब्रांड आपको सूट करता है वो परचेज करिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी का खरीदिए कि ताकि जब वो ऐसा ना हो कि वो पहले ही वॉश में ख़राब हो जाए, लूज हो जाए। मोस्टली आप देखते होगे ना कि आपकी जो यहाँ से जो स्ट्रिप होती है ना वो एक दो धुलाई के बाद ही ना वो नीचे की तरफ फिसकना शुरू हो जाती है और यहाँ से ना लटकने लग जाती है जो हमारी ब्रा है। तो जब आप बाहर जब भी आप कोई ऊपर से उसके कपड़े पहनते हो ना तो वो ना ऐसा लगता है जैसे नीचे की तरफ लटक रही है,
तो ये चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखें मतलब ब्रा खरीदते टाइम, और ऐसा ना हो कि मतलब आपने एन नंबर ऑफ क्वांटिटी हो आपके पास, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर कलर की हैं या फिर हर वैरायटी की आपने खरीद ली, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जितना भी रखिए लिमिटेड स्टॉक रखिए, लेकिन जो भी रखिए वो ऐसा हो कि आप उसको आप रिपीट कर सको, बार बार पहन सको। तो एक तो ये कहूँगी कि कभी भी बहुत ज़्यादा टाइट ब्रा ना पहने। अब यहाँ पर टाइट का मतलब ये नहीं कि आप फिटिंग के ब्रा नहीं पहनेंगे, आप फिटिंग के ब्रा पहनेंगे पर टाइट ब्रा बिल्कुल मत पहनिए। होता क्या है ना कि हम मोस्टली हम यहाँ से टाइट करते हैं अपनी ब्रा को पीछे की तरफ से। अब जब आप पीछे की तरफ से ब्रा को टाइट करते हो ना, तो यहाँ से जो साइड है, इस साइड का जो आपके जो ये जो मास है इस साइड का, वो साइड से बाहर को लटकता है। और अगर आपने उसके ऊपर कोई फिटिंग की टी शर्ट पहन ली या कुछ और पहन लिया, तो वो यहाँ से विजिबल होता है, ऐसा लगता है कि साइड से कोई मास लटक रहा है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत लोग करेक्ट साइज की ब्रा नहीं पहनते, उनको ये लगता है कि हम तो बहुत पतले हैं तो वो छोटी साइज की ब्रा पहन लेते हैं। छोटी साइज की कप साइज उनका बहुत छोटा होता है, तो कप साइज का भी ख्याल रखें। अगर आप छोटे कप साइज की ब्रा पहनोगे ना, तो वो होता क्या है ना, इस साइड से यहाँ से इस साइड से मास निकलना शुरू हो जाता है, वो अब ये भी बहुत ज्यादा ऑड लगता है देखने में। तो बस यही कुछ चीजें थी जो मेरे दिमाग में काफी दिनों से चल रही थी कि शेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो बस बहुत ज़्यादा नहीं सोचा मैंने और ये वीडियो बना डाली। अगर अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि ऐसे ही मैं कुछ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली अपकमिंग वीडियोस में। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट, बाय।